लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही अब सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी चल पड़ा। ऐसे में चंबा से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नीरज नैयर ने कांगड़ा से बीजेपी सांसद शांता कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद के वादे आज तक हिमाचल की जनता के लिए अधूरे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने सिकरीधार में सीमेंट प्लांट लगाने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वही कांग्रेस नेता ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार जुमलों की सरकार साबित हुई है। जो उन्होंने वादे किए टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने जो नाम है हर लोकसभा क्षेत्र से वो चयनित किए हैं, और बाकी फिर जो हमारी हाई पावर्ड कमेटी है दिल्ली में वो उस पर जल्द से जल्द जो है फैसला लेगी, और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी कैंडिडेट पार्टी का नाम जिसका भी आएगा चंबा कांगड़ा से, उसके लिए हम पुरजोर तरीके से काम करेंगे।